तो चलिए शुरू करते हैं। समय ने 2 से 3 बार ऋषि को उन तक पहुंचाने की कोशिश की। पहली 2 बार कोशिश में ऋषि उनसे काफी दूर रही, बाकी कोशिश में ऋषि उन तक पहुंची तो खरी, लेकिन व्योम उसे पकड़ नहीं पाया। समय को व्योम पर काफी गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था वो गन निकाल सारी गोली उसमें उतार दे। समय काफी देर से उसे ऋषि कैच करने को दे रहा था, लेकिन वो ऋषि पकड़ नहीं पा रहा था और टाइम वेस्ट हो रहा था। समय ने कम से कम 20 बार ऋषि को फेंका होगा। राहुल नीचे से व्योम पर चिल्ला रहा था, उसका भी सबर जवाब दे चुका था। बेवकूफ गधा, बेलबुद्धि, कहीं का एक कैच नहीं पकड़ सकता। वो भी ये देख बुरी तरह चिर चुका था, उसे भी हवा में लटके हुए काफी टाइम बीत चुका था। यहाँ तक वीरन को भी अपने भाई पर काफी गुस्सा आ रहा था। चोपर एक जगह पर इतनी देर तक नहीं रुक सकता था, फिर भी रुका हुआ था। अविरन माइक में व्योम पर चिल्ला के, बेवकूफ गधे उल्लू, ये क्या कर रहा है? ऋषि पकड़ने को दी है, छोड़ने को नहीं। ऋषि पकड़, वरना वहां आके तेरा सर फोड़ दूंगा। इस बार अगर तूने ऋषि नहीं पकड़ी तो मुझसे बुरा कोया नहीं होगा, गधा कहीं का। व्योम अपने भाई की ऐसी धमकी सुन मुंह बना के रोने लगा। रोते हुए वो अविरन को कोसने लगा, है मुझसे कोया प्यार नहीं करता, सब मुझ पर गुस्सा करते हैं। मेरे जैसे मासूम बच्चे की किसी को कदर नहीं है, मुझसे कोया प्यार नहीं करता। व्योम तापसी के कंधे पर सर रख रोते हुए आगे बोला, भाई बहुत बुरे हैं उन्होंने मुझे दाता बेबीगल में, भाई से कभी बात नहीं करूंगा, उन्होंने मुझे बेवकूफ गधा उल्लू कहा। व्योम ये सब बोलते हुए गला फार के रो रहा था। व्योम आगे से अपने भाई की बेवकूफी पर वो पहले ही चीर चुका था, वो भी कब से व्योम की हरकत देख रहा था। व्योम ऋषि पकड़ने की जरा सी भी कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो सिफेद चोप का हैंडल पकड़ हाथ हिला के ऋषि के आने का वेट कर रहा था, ना कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। व्योम को ऐसे गले फाट के रोते देख व्योम चीर के कहा, बस कर वी, बस कर, चुप हो जा, मेरे कान फट जाएंगे। व्योम व्योम की आवाज सुन और तेज रोते हुए बोला, भाई तू भी मुझ पर चिल्ला रहा है, मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा, आज से मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैं सिफे बेबीगल का हूँ और बेबीगल सिफे मेरी है। तापसी व्योम की बात सुन बोली, मैं तुम्हारी नहीं डेविड की हूँ, वो मुझे किसी के साथ सिर नहीं करेगे, वो बहुत बुरे है, अगर तुमने उनके सामने ये कहा तो वो तुम्हें यही से उठा के नीचे फेंक देंगे। व्योम मुंह बना के कया, वो राक्षस मेरे भाई से भी बुरा है। तापसी अपना सरहा में हिला के, हा हा, वो बहुत बुरे है, लेकिन क्यूटी का बहुत ध्यान रखते है, वो मुझे एक कदम भी चलने नहीं देते, हर जगह अपनी गोद में उठा के चलते है, यहाँ तक अपने ऑफिस में भी मुझे गोदी में लेके काम करते हैं। वो मुझे विला से बाहर नहीं जाने देते, मुझे किसी से बात नहीं करने देते और मुझे हमेशा ओहदा देते रहते हैं। मैं उनसे थोड़ी देर भी दूर जाने की बात करूं तो मुझे पनिश्ड करते हैं, मुझ पर हमेशा गुस्सा करते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम डेविड रखा। उनकी हरकतें बिल्कुल डेविल जैसी है। इस बार सोकद होने की बारी अव्योम थी। अव्योम सोकद होके बोला, वोट वो तुम्हें इतना टॉर्चर करते हैं फिर भी तुम उसके पास जाना चाहती हो, क्यों? वो तुम्हें डोल की तरह खुद से चिपका के रखते हैं, तुम्हें सजा देते हैं फिर भी। तापसी हाँ में सर हिला के, हाँ मुझे उनके पास जाना है, क्योंकि वो क्यूटी को टॉर्चर नहीं करते, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो भी इतना सारा। तापसी ने हाथ फैला के कहा, भाई दादा कहते हैं वो मुझे बैडमैन से सेफ रखने के लिए ये सब करते हैं, वो मुझ पर गुस्सा भी मेरी भलाई के लिए होते हैं। तापसी समय की तारीफ कर रही थी या बुराए वो पता नहीं, लेकिन जो भी कर रही थी उसे एक बात तो पता चल गई कि वो समय से प्यार करती है। ये बात उसकी बातों से साबित हो गई। समय चाहे उसके साथ कुछ भी करे, लेकिन वो उसे प्यार करना नहीं छोड़ सकती। व्योम हैरानी से तापसी को देखते हुए, ये कैसा प्यार है बेबीगल, इसमें तो वो आपको कुछ भी नहीं करने देता, हर वक्त किसी खिलौने की तरह आपको कैद करके रखता है, ना ही वो आपको अकेले कहीं बाहर जाने देता है और ना ही किसी से मिलने देता है। ये प्यार कहाँ से है? ये तो किसी जेल की तरह है, जहाँ हमें वही करना पड़ता है जो वो लोग चाहे। ये प्यार नहीं, सजा है बेबीगल, तुम्हें ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए, वरना आगे जाके वो तुम्हें और दर्द देगा और उस दर्द को
प्यार का नाम देगा। अव्योम इतने रुलथस तो मेरे भाई भी हम पर नहीं लगाते, जितना वो तुम पर लगाता है। व्योम सही बोल रहा है, तुम उसे छोड़ के भाई के पास आ जाओ, वो बहुत अच्छे है, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तापसी अव्योम की बात सुन तुरंत नामे सर हिलाने लगी। अव्योम व्योम आगे कुछ कहते कि तभी अविरन की आवाज आई जो व्योम को ऋषि पकड़ने को कह रहा था। व्योम ऋषि पकड़ने के लिए आगे जाता, उसे पहले तापसी उसे पीछे कर खुद आगे खड़ी हो गई। उसे अभी भी ऊंचाई से डर लग रहा था, फिर भी वो व्योम को पीछे कर आगे आके खड़ी हो गई। समय दूरबीन से तापसी को चोपा के दरवाजे इतना पास देख उसे फिर से गुस्सा आने लगा। समय अपने गुस्से को काबू कर हाथों की मुट्ठी कसके बोला, बटरफ्लाई अंदर जाओ, गिर जाओगी। तापसी उसके कहने पर भी अंदर नहीं गई, वही खड़ी होके बार बार नीचे देख रही थी जहां से उसे सब कुछ काफी छोटा और डरावना लग रहा था। तापसी को नीचे देखने से चक्कर भी आ रहे थे। तापसी खुद से नहीं, क्यूटी तुम बहादुर लड़की हो, तुम ये कर सकती है। समय दूरबीन से तापसी को चोपा के दरवाजे इतना पास देख उसे फिर से गुस्सा आने लगा। समय अपने गुस्से को काबू कर हाथों की मुट्ठी कसके बोला, बटरफ्लाई अंदर जाओ, गिर जाओगी। तापसी उसके कहने पर भी अंदर नहीं गई, वही खड़ी होके बार बार नीचे देख रही थी जहां से उसे सब कुछ काफी छोटा और डरावना लग रहा था। तापसी को नीचे देखने से चक्कर भी आ रहे थे। तापसी खुद से नहीं, क्यूटी तुम बहादुर लड़की हो, तुम ये कर सकती है। समय उसे अपनी बात ना मनते देख उसकी पकड़ ऋषि पर कसती जा रही थी। उसने फिर से कहा, मैंने कहा अंदर जाओ बटरफ्लाई, समय ने इस बार काफी गुस्से में कहा था। जिसे सुनकर तापसी डर गई लेकिन अपने कदम पीछे नहीं लिए, उसने नामे सर हिला के हाथ हिला के मना करने लगी। समय उसे मना करना देख उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। अविरन समय को इस तरह तापसी पर चिल्लाते देख बोला, उस पर चिल्लाना बंद कर, वो बच्ची वहां ऋषि पकड़ने के लिए खड़ी है, एक बार उस पर भरोसा करके देख, शायद जो काम मेरा बेवकूफ भाई नहीं कर पाया वो एक बार में कर ले, एक बार ऋषि उसकी ओर फेंक के देख। उसकी बात सुन समय की पकड़ ऋषि पर कसती चली गई। पायलट ने फिर से कहा, बोस जो करना है जल्दी कीजिए, टाइम बहुत कम है, वो चोपर एक बार हिलना शुरू हुआ तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। समय उसकी बात सुन एक बार आंखें बंद कर खोल, ऋषि अपने हाथों में लिप्त एक बार और उनकी ओर फेंकी। इस बार तापसी ने पहली बार में ही दोनों ऋषि एक हाथ से पकड़ ली। जिसे देख व्योम व्योम दोनों की आंखें सोकत से बरी हो गई। दूसरी ओर समय राहुल अविरन भी काफी हैरान थे। समय तिरछी स्माइल कर मन में कहा, मेरी बटरफ्लाई। तापसी ऋषि को दोनों हाथ से अंदर खींच व्योम को दी। व्योम ने तुरंत एक ऋषि चोप में मजबूती से बांध दी। समय तापसी को समझाते हुए बोला, बच्चा मेरी बात ध्यान से सुनो, एक ऋषि चोप में टाइट बांधो और दूसरी अपनी कमर पर, और मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ऋषि को कसके पक के धीरे धीरे कर उस चोपा से यहाँ तक आना है। डोंट बी पैनिक बच्चा, मैंने एक ऋषि अपने हाथों में कसके पकड़ी हुई है, तुम्हें नीच नहीं गिरने दूंगा। आपको सिफे बाधी हुई ऋषि को पक के धीरे धीरे यहाँ आना है, जैसे हम ऋषि पक के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वहां से यहाँ आना है। समय की बात सुन तापसी एक नजर चोपा से नीचे देख तुरंत नामी सर हिलाने लगी, उसके कदम पीछे जाने लगे। उसे पहले से ऊंचाई से डर लग रहा था, ऊपर से चोपा के हिलने से वो और भी डर चुकी थी। अब उसे उस ऊंचाई से ऋषि को पकड़ के वहां जाना था। जिसे सोच के ही तापसी के हाथ पैर ठंडे पर चुके थे, उसके हाथ पैर कांपने लगे। समय उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, अव्योम व्योम भी उसे समझाने की कोशिश करने लगे। अव्योम आगे से समझाते हुए बोला, बेबी गर्ल डरो मत, देखो कुछ नहीं होगा, वहां से उन लोगों ने तुम्हें पकड़ रखा है, वो लोग तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, वहां तुम्हारा डेविड है, मेरा तुम्हारा भाई है, प्लीज बेबी गर्ल जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। व्योम चोपा में से एक और ऋषि निकाल के बोला, हम भी यहाँ से एक ऋषि से तुम्हें पकड़ के रखेंगे, जिसे तुम्हारा हाथ छूटे फिर भी तुम गिरो ना। तापसी अभी भी डरी हुई थी, उसने फिर भी ना में सर हिला के कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाओगी, मुझे डर लग रहा है, तो तुम लोग जाओ, पहले में बाद में आओगी।
अव्योम उसे समझाते हुए, तुम्हें पहले वहां जाना होगा, तुम्हारे पीछे हम भी वहां आएंगे। तापसी नामे सर हिलाके बोली, में नहीं जाओगी, मुझे नहीं जाना, में नहीं जाओगी। अव्योम व्योम उसे काफी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तापसी मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में कुछ सोच के अव्योम ने तापसी को कुछ ऐसा कहा जिसे सुन तापसी तुरंत मान गई और उसने ऋषि पका वहां जाने के लिए तैयार हो गई। दरअसल अव्योम ने उसे समय की कसम दी थी जिसे सुन तापसी कुछ नहीं बोल पाई। डर तो उसे अभी भी लग रहा था, लेकिन सामने समय था जिसके पास वो खुद जाना चाहती थी। समय तापसी को ऋषि पकड़ चौपड़ से धीरे धीरे कर बाहर आते देख दूसरे हाथ की ऋषि कसली तापसी अभी भी नीचे देख कांप रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। समय उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए बोला, बच्चा नीचे मत देखो, मेरी ओर देखो, मैं यहाँ हूँ, नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे देखो, जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा करो। ऋषि को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पका लो, बिना नीचे देखे चौपड़ से बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा, नीचे तुम्हारा भाई भी है। राहुल नीचे से आवाज लगा के, क्यूटी में यहाँ हूँ, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, समय की बात मानो उसकी, और देखते हुए चौपड़ से नीचे उतर जाओ। समत बच्चा ऋषि को कसके पकड़ लो, एक बार आंखें बंद कर चौपड़ से नीचे उतर जाओ, अपनी पूरी ताकत उस ऋषि को पकड़ने में लगा दो। तापसी समय की आवाज सुन उसकी ओर देखते हुए बिना नीचे देखे चौपड़ से बाहर आ गई। तापसी का शरीर हवा में लटने लगा, उसने अपने छोटे हाथों से ऋषि को कसके पका हुआ था, उसके पैर हवा में थे। तापसी ना चाहते हुए भी उसकी नजरें नीचे जाने लगी। तापसी जोर जोर से रोने लगी, बचाओ बचाओ डेविड भाई, डेविड बचाओ बचाजो, चिल्लाने लगी। उसके रोने की चिल्लाने की आवाज समय राहुल अविरन को भी सुना दे रही थी। समय उसे रोता देख ऋषि पर पकड़ और टाइट हो गई। अविरन समय के कंधे पर हाथ रख, इस वक्त गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, दिमाग शांत रख और उसे शांत करा है, तू ही है जो उसे चुप करा के यहाँ तक ला सकता है। समय उसे रोता देख ऋषि पर पकड़ और टाइट हो गई। अविरन समय के कंधे पर हाथ रख, इस वक्त गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, दिमाग शांत रख और उसे शांत करा है, तू ही है जो उसे चुप करा के यहाँ तक ला सकता है। समय तापसी की ओर देख, शशह बच्चा चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, नीचे मत देखो, मेरी ओर देखो, मैं जो जो बोलूंगा उस तरह तुम धीरे धीरे मेरे पास आओगी, अब चुप हो जाओ। तापसी सुबकते हुए हवा में लटके हुए हाँ में सर हिलाने लगी। समय वहां से उसे जो जो बोल रहा था वैसे वैसे वो आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे अपने हाथ सरकाते हुए समय की ओर जा रही थी। ऐसे ऋषि पर हाथ सरकाने से उसके हाथ छिल चुके थे, उसमें से खून निकल रहा था जो दूर से भी साफ नजर आ रहा था। समय उसके हाथों में खून देख उसकी आंखों में खून उतर आया। व्योम उसे जाते देख एक ऋषि से अपनी पकड़ धीरे धीरे कर छोड़ रहे थे, दूसरी और दूसरी ऋषि से समय उसे अपनी ओर खींच रहा था। ऐसे करते हुए धीरे धीरे तापसी ने आधे से ज्यादा रास्ता क्रॉस कर लिया। तापसी के दोनों हाथ खून से पूरी तरह सन चुके थे, वो अब पूरी तरह थक चुकी थी, उसके चेहरे पर दर्द और थकान साफ दिख रही थी, उसके हाथ भी अब हार मानने लगे, उसे चक्कर आने लगे, उसका सर घूमने लगा, उसका एक हाथ ऋषि से छूट गया, जिसे देखते ही पांचों लड़कों की जान अटक गई। पांचों एक साथ चिल्लाए, समय बटरफ्लाई, राहुल क्यूटी, अविरन ब्यूटीफुल, अव्योम व्योम बेबी गर्ल। पांचों की सांसें गले में आ गई, पांचों की आंखों में दर्द साफ दिखने लगा, पांचों की मानो दिल की धड़कन ही रुकने वाली हो। तापसी का दूसरा हाथ भी छूटने को तैयार था, सबकी जान गले में अटकी हुई थी। तापसी की आंखें बार बार बंद हो रही थी, तापसी खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोशिश धीरे धीरे हार मान रही थी। उसके हाथों में हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। समय चौपड़ से आधा बाहर आके अपना हाथ आगे बढ़ा के, बच्चा बच्चा मेरी ओर देखो, मुझे देखो बच्चा, तुम ऋषि नहीं छोड़ सकती, तुम्हें ऋषि पकड़नी होगी, सिफ़े थोड़ी देर के लिए ऋषि पकाओ बच्चा, प्लीज सिफ़े थोड़ी देर, देखो तुम मेरे बहुत पास हो, तुम्हारा डेविड यही है, सिफ़े थोड़ा सा है, देखो मेरा हाथ आपके कितने पास है।
थोड़ी कोशिश करो बच्चा, देखो मेरा हाथ तुमसे थोड़ी दूरी पर है बच्चा, सिर्फ कुछ हाथ की दूरी। समय पहली बार इतना डरा हुआ था, आज पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ तौर पर नजर आ रहा था। डरे हुए राहुल अविरन अव्योम व्योम भी थे। राहुल ने भी एक हाथ छोड़ दिया। उसने तय कर लिया था अगर तापसी का हाथ छूटा तो वो भी जंप करेगा, फिर चाहे जो हो जाए। अव्योम व्योम भी वहां से चिल्ला रहे थे, अव्योम बेबी गर्ल ऋषि पकाओ। व्योम अपने हाथ में पकड़ी ऋषि पर पकड़ कसके, ऋषि पकाओ बेबी गर्ल ऋषि पकाओ, अविरन ऋषि पकाओ ब्यूटीफुल। समय चोपा से पूरी तरह बाहर निकल, एक हाथ से चोपा में बंधी ऋषि पकड़ दूसरे हाथ को तापसी के करीब ले जाने की कोशिश करना लगा। समय तापसी को आवाज लगा के, बच्चा मेरी ओर देखो, देखो बटरफ्लाई तुम्हारा डेविड तुम्हारे पास है, सिर्फ एक हाथ की दूरी है बच्चा, थोड़ी सी कोशिश करो बच्चा, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश, में वादा करता हूँ मैं तुम्हें तुरंत अपनी बाहों में भर लूगा। समय की आवाज तापसी के कानों में जैसे ही गई, वो अपने आंखें खोल फिर से हिम्मत कर ऋषि को दोनों हाथों से पकड़ लिया। समय ने जैसे ही देखा उसकी आवाज से, उसकी बटरफ्लाई ने फिर से ऋषि पकड़ ली, तब जाके कहीं उसने एक राहत की सांस ली। समय उसे अपने पास बुलाते हुए, हाँ बच्चा ऐसे ही थोड़ी सी कोशिश करो, देखो मेरा हाथ तुमसे एक हाथ की दूरी पर है, सिर्फ एक हाथ, आ जाओ बच्चा, एक हाथ की दूरी मिटा दो, एक हाथ आगे बढ़ाओ और मेरा हाथ थाम लो। तापसी उसकी बात सुन धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके इतना करने में उसे काफी दर्द हुआ, इतना दर्द जीतना हम सोच भी नहीं सकते। इमेजिन कीजिए जब हम ऊंचाई पर ऐसे लटके हो, हमारी पूरी बॉडी का वेट हमारे दोनों हाथों में हो, ऊपर से उस हाथों में चोट लगी हो, हमने ज्यादा देर तक उस चीज को होल्ड किया हो, तो क्या हालत होगी हमारे हाथ की, कितना दर्द होता होगा। उतना ही दर्द तापसी को इस वक्त हो रहा है। उसके हाथ से और खून निकलने लगा। उस घाव पर ऋषि ने नमक का काम किया। समय ने जैसे ही देखा उसका हाथ तापसी के हाथ को टच हुआ, उसने बिना देरी किए एक हाथ से उसे झटके में अपने पास खींच लिया। तापसी सीधा उसके सीने से जा लगी। समय उसे लेके सीधा चौपा के अंदर गिरा। समय नीचे था, तापसी उसके ऊपर। समय ने उसे पूरी तरह खुद से चिपकाया हुआ था। समय ने उसे इतना टाइम होल्ड किया था कि उनके बीच से हवा तक ना गुजर सके। समय ने कसके उसे अपनी बाहों में भर रखा था। दोनों ही तेज तेज सांसें ले रहे थे। तापसी उसमें सबसे ज्यादा तेज तेज सांसें ले रही थी। सबने जैसे ही तापसी को सही सलामत चोप में पहुंचते देखा, सबने चैन की सांस ली। राहुल राहत की सांस लेके आसमान में देखते हुए कहा, थैंक यू गॉड मेरी बहन को बचाने के लिए, थैंक यू सो मच। अविरन ने भी चैन की सांस ली। अविरन अपने भाई ओको की ओर देख व्योम को आने का इशारा किया। व्योम भी उसी तरह ऋषि पकड़ चुप से निकल गया। समय खड़ा होके तापसी को अपनी गोद में उठाए सीट पर बैठ गया। तापसी उसकी गोद में किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। समय ने भी उसे खुद में समेट रखा था। अब कहीं जाके समय के दिल को सुकून मिला। उसकी छोटी सी खरगोश फिर से उसकी बाहों में जो आ गई थी, जिसके लिए वो कल रात से तड़प रहा था। सबने जैसे ही तापसी को सही सलामत चोप में पहुंचते देखा, सबने चैन की सांस ली। राहुल राहत की सांस लेके आसमान में देखते हुए कहा, थैंक यू गॉड मेरी बहन को बचाने के लिए, थैंक यू सो मच। अविरन ने भी चैन की सांस ली। अविरन अपने भाई ओको की ओर देख व्योम को आने का इशारा किया। व्योम भी उसी तरह ऋषि पकड़ चुप से निकल गया। समय खड़ा होके तापसी को अपनी गोद में उठाए सीट पर बैठ गया। तापसी उसकी गोद में किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। समय ने भी उसे खुद में समेट रखा था। अब कहीं जाके समय के दिल को सुकून मिला। उसकी छोटी सी खरगोश फिर से उसकी बाहों में जो आ गई थी, जिसके लिए वो कल रात से तड़प रहा था। तापसी समय के सीने से लग रो रही थी। समय भी उसे रोने दे रहा था। उसके हाथों से निकल रहा खून समय की सत को लाल कर रहा था। व्योम भी अविरन के पास पहुंच गया। व्योम के हाथों में भी चोट लगी थी। अविरन व्योम को सही सलामत देख उसे अपने गले से लगा लिया। अब बारी थी अव्योम की। उसके लिए समय ने राहुल को चोपा में वापिस बुला लिया। अविरन को समय का यू राहुल को वापिस बुलाना कुछ समझ नहीं आया।
समय तापसी को बाहों में भरे हुए अविरन की ओर देख बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई को कमर पर रस्सी बांध के जंप करना होगा। अविरन उसकी बात सुन सोकद होके वोट। राहुल चोपा में वापिस आके लंबी लंबी सांसें लेके बोला, ये बिल्कुल सही कह रहा है, वो जैसे ही अपनी सीट से खड़ा होगा चोपा तेजी से नीचे जाएगा, वो वहां से रस्सी पकड़ यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए प्लेन बी का इस्तेमाल करना होगा, उसे वहां से जंप करना होगा। हमने जो दूसरी रस्सी कमर पर बांधने को कहा है वही रस्सी उसे यहाँ ला सकती है। अविरन राहुल की बात सुन गुस्से में आ गया, उसे इस प्लेन के बारे में कुछ पता नहीं था, उसे लगता था तीनों सही सलामत यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद चुप गिरेगा। अविरन गुस्से में राहुल का कॉलर पकड़ के, कने तुझे ये बात पहले से पता थी, फिर अभी तुम दोनों ने मुझे कुछ नहीं बताया, तूने सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए इसके प्लेन को सपोर्ट किया, अब जब तुम्हारी बहन यहाँ सेफली पहुंच गई तो तुम दोनों ने मेरे भाई को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। राहुल उसका हाथ अपनी कॉलर पर देख उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, उसने उसका हाथ कॉलर से झटके चिल्ला के बोला, कना किसे बोल रहा है, अगर मुझे अपनी बहन को ही बचाना होता तो मैं यहाँ तुझे लेके नहीं आता, मैं और समय काफी थे अपनी क्यूटी के लिए, हम में से कोई भी वहां जाके उसे साथ लेके वहां से कूद जाता और तू या तेरे भाई कुछ नहीं कर पाते, हम दोनों को पैराग्लाइडिंग का बहुत शौक है, हमारे लिए इतनी ऊंचाई से जंप करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने ऐसे खतरों से बहुत खेला है, हम हमारी क्यूटी को बिना तुम्हारी मदद के भी बचा सकते थे, इसलिए फालतू में हम पर इल्जाम मत लगा, तेरा एक भाई यहाँ सेफली पहुंच चुका है, इस बात का सुख मान, बोल रही दूसरे की बात तो वो भी सेफली यहाँ आ जाएगा, तेरे भाई ने पैराशूट पहना हुआ है इसलिए उसे कुछ नहीं होगा, और रही बात उसे बचाने की तो मैं हूँ, मैंने भी अभी पैराशूट पहना है, अगर वो वहां से कूदा और रस्सी छूट भी गई तो हम उसे बचा लेंगे, और अगर रस्सी को कुछ भी हुआ तो मैं भी यहाँ से जंप करूँगा, लेकिन तेरे भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा, जबान देता हूँ आर्मी ऑफिस की जबान है, पीछे नहीं हटूंगा, तेरा भाई सही सलामत तुझ तक पहुँच जाएगा। उसी वक्त व्योम जोर से चिल्लाने की आवाज आई, भाई उसके चिल्लाने पर सबका ध्यान उस पर चला गया, व्योम बाहर की ओर हाथ दिखा के हकलाते हुए, भाई। जब सबने उसके हाथ के इशारे को देखा तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी, सामने वाला चोपा वहां नहीं था, सब एक पल के लिए सोकत हो गए, किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। अविरन अपनी चुप्पी तोड़ जोर से चिल्लाया, अब व्योम। राहुल समय तापसी तीनों भी उसके चिल्लाने से सोकत से बाहर आए। अविरन भाग के चोपा के दरवाजे के पास जाके अपने भाई को आवाज लगाने लगा, व्योम भी उसके पास आके अपने भाई को पकड़ रोने लगा। चोपा का वहां नामो निशान नहीं था, अविरन की आंखों से आंसू निकलने लगे, अविरन चोपा से बाहर कूदने ही वाला थी, राहुल ने उसे पकड़ लिया। राहुल ने अविरन को चोपा के दरवाजे के पास पकड़ हुआ था, इस वक्त अविरन अपने होश में नहीं था, अपने छोटे भाई को खोने के सदमे में वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुका था, व्योम भी अविरन की तरह सदमे में चला गया था, वो भी अविरन की तरह चोपा से नीचे कूदना चाहता था। अविरन राहुल को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, मेरा भाई मुझे मेरे भाई को बचाने जाना है, छोड़ो मुझे, मेरा अभी मेरा छोटा, अविरन रोते हुए, मुझे मेरे भाई को बचाने जाना है। अविरन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था, उसे इतना भी होश नहीं था कि वो अभी कहाँ है और क्या करने जा रहे हैं, अगर वो ऊपर से कूदा तो शायद जिदा ही ना बचे। राहुल उसे पकड़ चोपा के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगा, व्योम अविरन के साथ चिपका हुआ था इसलिए दोनों भाई को अकेले संभालना राहुल के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। राहुल समय की मदद भी नहीं ले सकता था क्योंकि तापसी समय की गोद में थी, फिलहाल वो भी काफी डरी हुई थी, समय चाहता तो वो उसे गोद से उतार साइड में बिठा के राहुल की मदद कर सकता, लेकिन वो तापसी को खुद से एक पल के लिए दूर नहीं करना चाहता था। राहुल अविरन को पकड़ हुए बोला, अविरन उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो ठीक होगा, खुद को संभाल, तुम्हारा भाई
बिल्कुल ठीक होगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। इस तरह आपा खोने से कुछ नहीं होगा, खुद को संभाल। अविरन को राहुल की कोई भी बात सुना नहीं दे रही थी, वो उसकी कोई भी बात सुन की हालत में नहीं था, ना ही व्योम उस हालत में था कि वो अपने भाई को संभाल सके। दोनों राहुल को दूर करने की कोशिश करने लगे। राहुल दोनों को पकड़ अंदर की ओर धक्का देके एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया। समय चाहता तो वो उसे गोद से उतार साइड में बिठा के राहुल की मदद कर सकता, लेकिन वो तापसी को खुद से एक पल के लिए दूर नहीं करना चाहता था। राहुल अविरन को पकड़ हुए बोला, इक्वल्स अविरन, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो ठीक होगा, खुद को संभाल। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक होगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। इस तरह आपा खोने से कुछ नहीं होगा, खुद को संभाल। अविरन को राहुल की कोई भी बात सुना नहीं दे रही थी, वो उसकी कोई भी बात सुन की हालत में नहीं था, ना ही व्योम उस हालत में था कि वो अपने भाई को संभाल सके। दोनों राहुल को दूर करने की कोशिश करने लगे। राहुल दोनों को पकड़ अंदर की ओर धक्का देके एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया। राहुल के दौर को बंद करते ही चोपा के पायलट ने दौर को लोक कर दिया, जिसे कोई दौर वापिस ओपन ना कर सके। अविरन व्योम दौर के पास जाके उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दौर पहले ही लोक हो चुका था। दोनों दौर हाथ पर मार रहे थे, चिल्ला रहे थे, दौर खोलने को बोल रहे थे, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समय ने इशारा किया चोपा को ले जाने का। राहुल को अविरन व्योम की हालत पर काफी बुरा लग रहा था, वो भी एक भाई है, उसे भी अपनी बहन की उतनी ही फिक्र हो रही थी जितनी उस वक्त अविरन को अपने भाइयों की हो रही थी। अपने छोटे भाई बहन को लगी छोटी सी छोटी चोट का दर्द क्या होता है, राहुल उसे समझ सकता था। तापसी भी अव्योम के जाने से काफी दुखी थी, वो भी काफी रो रही थी। वहां सबकी आंखों में आंसू थे सिवाय समय के। समय इमोशनलेस होके तापसी को सीने से लगा के बैठा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, ना ही गुस्से के और ना ही दर्द पछतावे के। समय तापसी का चेहरा हाथों में पकड़ उसके आंसू पोंछ के बोला, इक्वल शशह बच्चा, अब चुप हो जाओ, बहुत रो लिया किसी और के लिए, अब और नहीं, मुझे तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए आंसू देखना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी खुशी दुख दर्द स्माइल यहाँ तक आंसू सबकी वजह सिफे और सिफे में होना चाहिए, मेरे अलावा कोई अभी तुम्हारे खुशी दर्द का कारण नहीं बनना चाहिए, इसलिए लास्ट बार बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ, अब तुम किसी के लिए अपने आंसू नहीं निकालोगी। समय ये सब काफी अजीब तरीके से बोल रहा था, जैसे वो तापसी को रोने पर धमका रहा हो। तापसी समय की बात सुनकर गई। तापसी अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए समय का सट पकड़ के बोली, इक्वल्स डेविड, डेविड उसे बचा लो, उसे बचा लो, डेविड वो बहुत अच्छा है, प्लीज उसे बचा लो, प्लीज उसे बचा लो। तापसी समय के आगे अव्योम को बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। तापसी रोते हुए आगे बोली, उसने क्यूटी का बहुत ध्यान रखा है, उसने क्यूटी की चोट पर दवाई लगाई थी, उसने क्यूटी को अपने हाथ से खाना खिलाया था, प्लीज डेविड उसे बचा लो, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाओगी, कभी किसी के लिए नहीं रोगी, तुम जो बोलोगे वो सब करूंगी, लेकिन प्लीज उसे बचा लो। समय को उसकी बात सुन फिर से गुस्सा आने लगा। उसने जब सुना कि उसकी बटरफ्लाई ने किसी और के हाथ से खाना खाया है तो उसे और भी गुस्सा आने लगा। उसने देसे तेसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर तापसी को अपने सिने से लगा के बोला, इक्वल्स ठीक है बच्चा, मैं सब देख लूंगा, तुम फिलहाल चुप हो जाओ, मैं उसे बचा लूंगा, उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, पहले मैं उसे उसकी गलती की सजा देने वाला था जो उसने तुम्हें मुझसे दूर करने की थी, लेकिन अगर उसने मेरी बटरफ्लाई का ख्याल रखा है, उसकी चोट पर दवाई लगाई है, तो मैं उसे उस गलती पर माफ करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ उसे कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें अपने डेविड पर यकीन है ना, मैंने अपने बच्चे से आज तक कभी झूठ नहीं बोला, जो भी कहा है मैंने हमेशा पूरा किया है। समय की बात सुन तापसी तुरंत अपना सर हां में हिलाने लगी, जैसे कहना चाहती हो उसे उस पर पूरा यकीन है। अपनी बटरफ्लाई को खुद पर यकीन करता देखा समय उसके बालों को सहला के बोला, इक्वल्स तो फिर चुप हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा, हम थोड़ी देर में नीचे पहुंच जाएंगे, तब तुम खुद उसे अपने सामने देख लेना।
तापसी सुन रुआसी आवाज में अपना हाथ उसके आगे कर मासूमियत से बोली, इक्वल्स प्रोमिश। समय ने जैसे ही उसका हाथ देखा तुरंत उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेके राहुल को आवाज देके कहा, मेडिकल बॉक्स राइट नाउ। राहुल समय की आवाज सुन बिना एक पल की देरी किए मेडिकल बॉक्स लाके उनके पास घुटनों पर बैठ गया। दरअसल व्योम के चोपर के साथ गिरने के कारण सबका ध्यान तापसी से हट गया था, किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि उसके हाथों में चोट भी लगी थी। समर की जैसे ही उसकी चोट पर नजर गई उसकी आंखें जो कुछ वक्त पहले इमोशनलेस थी अब उसमें गुस्सा दिखने लगा। राहुल अपनी बहन के हाथ से खून निकलता देख परेशानी भरी आवाज में, इक्वल्स क्यूटी तुम्हारे हाथ। राहुल को अपनी बहन के खून से सने हाथ देख काफी तकलीफ हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। समय सबसे पहले पानी की बोतल लेके तापसी के दोनों हाथों पर पानी डाला। ठंडा पानी गिरते ही तापसी दर्द से तड़प उठी। आह डेविड, तापसी अपने हाथ पीछे खींचते हुए रोते हुए बोली, डेविड बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है डेविड। समय उसके हाथ पकड़ पानी डालते हुए बोला, थोड़ा सा दर्द होगा बच्चा, अभी दवाई लगा दूंगा फिर सब ठीक हो जाएगा। तापसी ना में सर हिलाके, नहीं डेविड। राहुल अपनी बहन का चेहरा हाथों में भर के, क्यूटी मेरी ओर देखो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतू सा दर्द होगा। जैसे बचपन में चोट लगने पर होता था उतना ही होगा, फिर तुम ठीक हो जाओगी। तापसी अपनी टिमटिमाती आंखों से राहुल की आंखों में देख बोली, सच्ची भाई, थोड़ा सा ही दर्द होगा, ना ज्यादा दर्द नहीं होगा भाई। राहुल, नहीं बच्चा, बिल्कुल थोड़ा सा दर्द होगा। गाइस, इस वीडियो का टारगेट 300 लाइक्स है, सो तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।